ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम लौकिक से अब क्या हो गए हैं, अलौकिक। भले इस लोक में रह रहे हैं परंतु हमारे कर्म, हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारा व्यवहार इस लोक का नहीं है। दुनिया वालों की तरह है क्या हमारा? नहीं है। तो फिर हम क्या हो गए? अलौकिक हो गए, न्यारे और प्यारे हो गए, भगवान के बच्चे बन गए। हमारी सोच हद की क्या हो गई? खत्म हो गई और बेहद की हो गई। सारी सृष्टि की आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना की क्या बन गई? वृत्ति बन गई। हर एक को जैसी वृत्ति होती है वैसे ही वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। तो हम औरों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखलाने के बाबा ने हमको क्या बनाया है? निमित्त बनाया है। हम सब निमित्त है ना, क्योंकि नौ निर्माण का जो कार्य बाबा करा रहा है वो नौ निर्माण का कार्य है ही सतो प्रधान दुनिया की स्थापना, सत्य धर्म की स्थापना, जिसको सतयुग कहा गया है। वहां पर एक एक आत्मा सच्चा सोना सतो प्रधान होगी। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म की वो क्या होगी? दुनिया होगी। वहां पर बाबा एक एक बच्चे को या एक एक आत्मा को सेलेक्टेड भेजेगा, जैसे और कंपटीशन में सिलेक्शन होता है ना, कि भाई इस कंपटीशन में तीन को ही लेना है। तो यहां बाबा को सेलेक्टेड आत्माएं कितनी चाहिए? 9 लाख। तो इतनी करोड़ आत्माएं विश्व में हैं, सोचो, ध्यान दो। और उन करोड़ आत्माओं में से बाबा सेलेक्ट किया है, चुना है ना। तो मैं कितनी विशेष महान आत्मा हूं? आत्माएं तो सब हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? जब तक कि ये समान अगर हम बच्चे नहीं लेंगे तब तक कि श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म नहीं हो सकेंगे।